लॉकडाउन का आज 21वां दिन है और किस तरह से सिवान में लोग जो है गरीबों तक असहायों तक खाना या फिर राहत की सामग्री पहुंचा रहे हैं, हमने आपको इधर कई दिनों से दिखाने का एक प्रयास किया। और अभी हम पहुंच चुके हैं सिवान के सदर भाजपा विधायक हैं व्यासदेव प्रसाद, और आप देख सकते हैं उनके आवास में है किस तरह से राहत की सामग्री की यहाँ पर तैयारी चल रही है। तमाम पैकेट बनाए जा रहे हैं और उनके जो टीम है, उनकी जो यहाँ पे टीम है, वो आवास पे किस तरह से बैठकर, चाहे उनके पुत्र हो या फिर जो लोग हैं, एक राशन की जो सामग्रियों की पैकेटिंग होती है वो बखूबी एक अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से किया जा रहा है। चावल है, दाल है, आटा है, और फिर इसमें कुछ मसाले हैं, तमाम तरह की वस्तुएं हैं जो कि यहाँ पे पैकेटिंग की जा रही है। और जाहिर तौर पे जिस तरह से 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो आज संबोधन किया गया और उसमें यह कहा गया कि 3 मई तक के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी जाएगी और 20 अप्रैल तक देखी जाएगी कि हॉटस्पॉट जो इलाका है उसके बाद की वहाँ की स्थितियाँ क्या होती है, फिर उसके बाद से वहाँ का निर्णय लिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिवान के सदर विधायक व्यासदेव प्रसाद यहाँ पे मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अम्बेडकर जी की, जो हमारे यहाँ के ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, हमारे देश के संविधान निर्माता, उनकी आज जयंती है। और तमाम यहाँ पे आज देख सकते हैं विधायक के आवास पे ये तस्वीरों को रख करके इन्हें नमन किया गया है। ये अच्छी बात है कि इस लॉकडाउन के बावजूद यहाँ पे अपने आवास पे भी इनकी जयंती मनाएगी। हालांकि यह जयंती सिवान के अंबेडकर चौक पे उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण करके हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है, और इसी को ख्याल रखते हुए जो सदर विधायक है व्यासदेव प्रसाद, यह अपने घरों पर एक तस्वीर यहां पे लगा करके और उनके तैलचित्र पे माल्यार्पण किए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक बार फिर से हम दिखाएँ कि किस तरह से, आप देख सकते हैं सैकड़ों पैकेटिंग यहाँ पर की गई है, जिसमें आलू है, नमक है, दाल है, आटा है, कई तरह की चीज़ें हैं, और यहाँ पे सारे लोग लगे हुए हैं। यहाँ तक कि विधायक के जो पुत्र हैं वो लोग भी स्वयं इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। ज़िले के तमाम पंचायतों में इस राशन की, राहत की सामग्री को लोग ले जाएंगे और वहाँ जिनको जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से दी जाएगी। और यह सिलसिला जो है जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक जारी रहेगा। हमारे साथ अब विधायक हैं, इनसे हम बात करेंगे कि सर ये तैयारियाँ जो चल रही है ये कहाँ कहाँ आप लोग राहत सामग्रियों का वितरण करेंगे? पहले तो शहर के अंदर 3000 पॉकेट भोजन बना हुआ, भोजन लोगों को, गरीबों को प्रदान किया गया, उस पर प्रशासन ने रोक लगा दिया। तो अब हम लोग व्यवस्था देहाती क्षेत्र में हर पंचायत में 100 व्यक्तियों को, निडी जिनको राशन कार्ड नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है और हर पंचायत में 100 व्यक्तियों को ये राशन दिया जाएगा। तो सर क्या क्या आप लोग जो पैकेटिंग कर रहे हैं उसमें क्या कुछ वस्तुएं हैं, राशन की सामग्री क्या क्या है? इसमें चावल है, आटा है, दाल है, हल्दी है, नमक है, ये सारे चीज इसमें भरे गए हैं, और मसाला भी है, इन सब चीज़ को भर दिया गया है जिससे लोगों को बनाने में कठिनाई नहीं हो, इसकी भी व्यवस्था की। और किस टाइप के लोगों को सर ये राहत की सामग्री पहुंचाई जा रही है? ये अत्यंत गरीब दलित व्यक्तियों को विशेष रूप से दिया जा रहा है, जिनको राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है उनको दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा राशन कार्ड भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे पास आया था कि टिक लगा कर भेजा जाए, एक लिस्ट आया है जिसमें हर पंचायत का लिस्ट पर टिक लगा कर 2 बजे दिन तक लोगों को प्रदान कर दिया जाएगा और उन लोगों का राशन कार्ड बनकर उनको मिल जाएगा। प्रत्येक दिन सर क्या लक्ष्य है, कितने पैकेटों का वितरण कर दिया जा रहा है? अभी तो 2 पंचायत का आज से शुरू हुआ है, ये अगले दिन से 3 पंचायत करके इसको वितरण किया जाएगा। जिस तरह से सर आज भारत के प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन आया हुआ है 10 बजे, उसके बाद से 21 दिन के ये आपको 3 मई तक के लिए अवधि बढ़ा दी गई लॉकडाउन की, आपकी क्या अपील होगी अपने क्षेत्र की जनता से, क्या कहना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्र की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जान रहेगा तो जहान रहेगा, इसलिए आप सभी लोग जो प्रधानमंत्री के द्वारा 3 मई तक जो
लॉकडाउन किया गया है पुनः उसका पालन करें और इस कोरोना जैसे महामारी से बचने का प्रयत्न करें, उसके चेन को तोड़ दिया जाए। हालांकि टूट रहा है, आप ग्राफ को देखेंगे तो पहले बहुत तेज़ी से ये बढ़ा लेकिन अब एकदम डाउनवर्ड नीचे चला जा रहा है। यानी जो उद्देश्य हमारे देश का है यह चेन निश्चित रूप से टूटेगा और हम विजयी होंगे। चलिए, तो आपने देखा कि विधायक जी बोलते बोलते थोड़ा सा भावुक हो गए और जाहिर तौर पे इनका जो हौसला है, हमारी भी इनके साथ शुभकामनाएं हैं। इनका कहना है कि बहुत जल्द चैन टूटेगा और हम लोग इस जंग से जीतेंगे, कोरोना हारेगी और हिंदुस्तान जीतेगा। आप देख सकते हैं विधायक पुत्र जो भाजयुमो के जो जिला अध्यक्ष हैं मुकेश कुमार बंटी, ये भी डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक बार हम दिखाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी मात्रा में चावल की पैकेटिंग की गई है, उसके बाद से आटा है, दाल है, कई तरह के जो भी सामग्रियाँ। और एक बार हम फिर से इस दृश्य को दिखाएंगे जहाँ पे अभी भारी मात्रा में स्टॉक रखे गए हैं। ये चावल और आटा के पैकेट है जो कि 50 या 25 केजी का है और भारी मात्रा में पैकेट यहाँ पे रखे हुए स्टॉक में, कि ताकि लोगों तक राहत की सामग्री ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाई जाए। जिस तरह से बातचीत भी हुई, विधायक जी ने बताया भी, और देखिए कि एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर पैकेटिंग की व्यवस्था की गई है ताकि एक पैकेट में नमक और आलू और दाल, चावल, आटा सब कुछ पैक करके और एक एक थैला दे दिया जाएगा ताकि लोगों तक जाए। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मुकेश कुमार बंटी जी, इनसे भी हम बात करेंगे कि जिस तरह से पैकेटिंग की जा रही है और क्या कुछ आप लोगों ने लक्ष्य रखा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि स्टॉक भी आपके पास अच्छे हैं, तो ये क्या अब स्टॉक जो है ये क्या लग रहा है, कितने लोगों तक ये जो आपने स्टॉक रखा है वो राहत की सामग्री है? एक पंचायत में कम से कम 600 आदमी का वितरण करना है। प्रत्येक मैंने एक पंचायत में 6 से 7 गांव होते हैं, कहीं 80 लग रहा है, कहीं 100-125 के बीच में हो रहा है। तो एक पंचायत का लक्ष्य 600 पैकेट पर डे हम लोगों ने वितरण करने का कार्य करेंगे। बूथ अध्यक्ष वैसे आदमी को दिया है जिसका राशन कार्ड में नाम नहीं है, जो भूमिहीन टाइप के लोग हैं वैसे लोगों को हमारे बूथ अध्यक्ष जो हैं चिन्हित किए हैं, उन लोगों का नाम नोट किए हैं, उन्हीं लोगों को वितरण किया जाएगा कि आने वाले समय में किसी को कठिनाई ना हो। विधायक जी का कहना है कि हमारे क्षेत्र में कोई भूखा ना सोए, इसी लक्ष्य को लेकर आप देख रहे होंगे सिवान नगर में प्रतिदिन 3000 पैकेट नगर में बांटने का काम किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने अब पंचायत की ओर निकले हुए हैं। तो ये जो अब सिलसिला है ये कब तक चलेगा? हालांकि 3 मई तक के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, तो उस समय तक काम आपका चलता रहेगा? ये हमारा लक्ष्य है 28-29 तारीख तक, हमारे टोटल 27 पंचायत हैं, 27 पंचायत 29 तारीख तक क्लियर हो जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर किसी को ज़रूरत होगी तो हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं, जिसको ज़रूरत होगा हम लोग वहाँ सामान पहुँचाने का काम तो करेंगे। ये आप लोग ले जा करके होम डिलीवरी कर रहे हैं वहाँ पर? हम लोग वहाँ जा के खुद, हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, सब लोगों ने लिस्ट बनाया हो, उस लिस्ट के माध्यम से हम लोग वितरण करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। आपने देखा कि विधायक पुत्र थे मुकेश कुमार बंटी जो भाजयुमो के जिलाध्यक्ष भी हैं। जाहिर तौर पे जो लोग भी, चाहे जिले के जो भी प्रतिनिधि हो, उनको भी इन जैसे लोगों से सीख लेनी होगी कि आज के इस विकट परिस्थिति में जो असहाय लोग हैं, जो गरीब हैं, जिन तक राहत की सामग्री नहीं पहुँच सकी है, उन तक पहुँचाने का काम करें। और जाहिर तौर पर अगर यह नेक काम वो कर रहे हैं तो पुण्य के भागी भी होंगे। इसी तरह से लॉकडाउन को लेकर के एटीएन लाइफ की टीम कुछ और जगहों पर चलेगी और वहां भी दिखाएंगे कि इस लॉकडाउन के बाद से सिवान के क्या कुछ हालात हैं। एटीएन लाइफ के लिए आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, सिवान।